देखो। कांता जी, आपकी भूख और आपकी चॉइस का ख्याल रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो हमारी ही है ना। अब देखिए, अगर रात को आपको भूख लगी तो आप क्या खाएंगी, कहाँ जाएंगी? इसीलिए ये मछली, मिठाई, बिस्किट सब मंगवाया है ताकि आपको दिल्ली छह की बिल्कुल याद ना। लेकिन हम लोगों को तो कुछ चाहिए ही नहीं। कांता जी, आपकी ना ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप हर चीज के लिए मना कर देती हैं। अब देखिए ना, लोगों के यहाँ बहु प्रवेश होता है और हम इतने लकी हैं कि हमारे यहाँ फैमिली प्रवेश हो रहा है। आपके स्वागत की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है हमारी। इसकी क्या जरूरत थी? वैसे आपने हमारे बारे में इतना सोचा वही बहुत है स्वेतलाना बहन जी। नेवर माइंड, एंजॉय इन माय रूम। अब अगर आपकी परमिशन हो तो मैं अपने कपड़े निकाल दूं? नहीं नहीं, आई मीन कबट से। जी कैसी बातें पूछ रहे हो जी आप? आपका ही कमरा है जी। सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी कि मेरा कमरा था। क्या जी? नथिंग, वी कंफर्टेबल। ज्यादा कंफर्टेबल होने की जरूरत नहीं है, समझे ना? एंजॉय। आवारा जी मैम। कहाँ मर गए तुम? ये कपड़े लो, जाके गेस्ट रूम में रखो। और संजय कहाँ है? सर स्विमिंग पूल के एरिया में। नहीं भूला हूं मैं जीवन चाचा का एक्सीडेंट कर किया। एक बार अपनी शादी से फ्री हो जाऊं उसके बाद मेरे पास टाइम ही टाइम होगा गड़ी मुड़ी को खाड़ कर उनके पोस्टमार्टम करने का। क्या देख रहे हो? तुम्हारे लिए चुल्लू पर पानी काफी है टू मरने के लिए। सही सुना था, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। तो चल भांड इकट्ठा करो और जो बाकी बच्चों की जिंदगी है ना, जाके जेल में गुजारो। कुछ नहीं तुम्हारे बस का। चुप। बक 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 बकवास कर रही हो? माँ का दही बना के रखा हुआ, तेरी गलती नहीं है, औरत है ना तू। शोर मचाना तेरे काम, चुपचाप यहां से चली जा वरना 2 सेकंड में तेरी कब्र बना दूंगा यार, समझी? मेरे सर पे खून सवार है, यहाँ से चली जा वरना गला घोट दूंगा। ये सारे फसाद की जड़ तुम ही हो। हाँ ऐसे काहे बोल रहे हैं? हमने कुछ कुछ नहीं किया है भाई। हम तो एक काली के कहने पे नंदू को नैना का धर्म पिता बना रहे थे बस। तुम्हें नैना का केयरटेकर क्या बना दिया? तुम तो अपनी हद ही भूल गई ना। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा गेम खेला तुमने। उस बेचारी निकिता को फंसाने की कोशिश की। हाँ कोडियो, तुम्हारी वजह से मैंने, तुम्हारे वजह से भाई ने उस बेचारी पर शक किया, तुम्हारी वजह से वो जेल गई, तुम्हारी वजह से एक इनोसेंट लड़की जेल गई, और इसकी वजह से सिर्फ तुम्हारी नहीं, उसकी नहीं, हमारी पूरी कंपनी की बदनामी होगी। हाउ कुड यू, हाउ डेयर यू। अब और नहीं। माई सुनो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, यहां ध्यान दो। माई यहां ध्यान दो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। विश्वास नहीं होता सत्या, मम्मा मुझसे इतनी नफरत करती। देखा तुमने, अरीना को माई समझकर कितना परेशान कर रही है।
मैं इतनी बुरी हूँ सत्यम? तेरी शादी में इच्छा से